ओ में कहा दम था 2 अगस्त को रिलीज हुई थी, जिसका बजट था 80 से 90 करोड़ जितना। पर उसके कलेक्शन की बात करें तो डे वन पे 1.85 करोड़ हुआ था, जो कि काफी कम है। अजय देवगन और तब्बू जैसे बड़े बड़े कास्ट को लेके भी ओपनिंग डे पे 1.85 करोड़ काफी कम है। सेकंड डे पे 16% का थोड़ा सा ग्रोथ दिखा और कलेक्शन पहुंचा 2.15 करोड़, मतलब 2 दिन में बस 4 करोड़। अब फर्स्ट संडे को भी कुछ खास कलेक्शन नहीं हुआ है 2.5 करोड़ के आसपास, जो कि संडे का दिन था, तो ऑब्वियसली एक फ्लॉप फिल्म थी ये। अब जितना मुझे लगा कि ये फिल्म फ्लॉप क्यों हुई, उसके रीजन बताऊंगा मैं। मुझे इस फिल्म में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा उसकी बात करते हैं। रीजन एक कि ये क्यों फेल हुई। फिल्म का ट्रेलर था 3 मिनट का, ऑलमोस्ट सब कुछ इस फिल्म के बारे में उसमें ही पता चल जाता है। रीजन टू, जितना लंबा अननेसेसरी ट्रेलर था उतनी ही लंबी फिल्म है 2 घंटे 30 मिनट की। अगर ये फिल्म 1.5 घंटे या 1.75 घंटे तक की भी होती फिर भी लोगों को पसंद आती, क्योंकि ये इतनी खींची गई है इसलिए ये बोरिंग लगती है। आपने जितने भी रिव्यूज देखे होंगे ये बात कॉमन होगी कि फिल्म काफी बोरिंग है, तो इसका रीजन ये है कि स्टोरी काफी छोटी सी है जिसको खींच के 2.5 घंटे की बनाई गई है। अब फिल्म में कुछ अच्छी बातें भी है, उसके बारे में बात करते हैं कि मुझे अच्छा क्या लगा। पहली बात थी कास्टिंग। अजय देवगन और तब्बू के साथ जिम्मी शेरगिल, शांतनु महेश्वरी और साई मांजरेकर, इस कास्ट का सिलेक्शन काफी अच्छा था। नंबर 2, ओवरऑल कॉन्सेप्ट और स्टोरी अच्छी थी बट लंबा किया था। नंबर 3, वो है एंडिंग। एंडिंग की बात करें तो ये काफी रियलिस्टिक एंडिंग थी, जो मोस्टली बॉलीवुड मूवी में नहीं होती है। अब मैं ये बताऊंगा कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। आपको ये थिएटर में देखने की जरूरत नहीं है, जब ये OTT Amazon Prime पे आएगी तब आपको अगर मन हो तो तब आप देख सकते हो, वरना थिएटर वाली फिल्म ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस फिल्म में कुछ सीन तो ऐसे ही जो बस काफी स्लो मोशन में करके बस इसको लंबा खींच के चलाते रहते हैं, तो अगर आप प्राइम पे देखोगे तो आप उसको स्किप कर पाओगे। और एक फिल्म रिलीज हुई थी इसके साथ, उलझ, जाह्नवी कपूर की, जिसकी बात करें तो वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई है, जिसका भी कलेक्शन है बस 4.90 करोड़, जो भी काफी कम है। आप बताएं कि आपने क्या दोनों में से कोई मूवी देखी है या नहीं। और ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ऐसे ही मूवी रिलेटेड और सीरीज रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए फाइंड माय फिल्म को सब्सक्राइब करें।